तो भाई साहब पठान ने अपने 4 हफ्ते के मार्केट रन के बाद आज फाइनली 1000 करोड़ का मार्जिन टच कर लिया है। एंड वैसे देखा जाए तो आजकल की मूवीज के लिए 1000 करोड़ कोई बड़ा मार्जिन नहीं रह गया। लास्ट ईयर 2022 में इंडिया की तरफ से 2 मूवीज ने 1000 करोड़ का मार्जिन टच किया था, लेकिन बॉलीवुड के लिए ये बहुत बड़ी बात है। इससे पहले दंगल ने 1000 करोड़ का मार्जिन क्रॉस किया था एंड इवेंचुअली वो चाइना की वजह से हुआ था, बट पठान इज समथिंग एल्स, क्योंकि वो नॉन चाइना रिलीज के बाद भी 1000 करोड़ का मार्जिन टच कर रही है। अब इससे रिलेटेड बहुत सी बातें हैं जो कि आज हम डिस्कस कर लेंगे, जैसे कि कहीं कहीं पे तो भाई बाहुबली 2 को भी बीट कर दिया है पठान ने कुछ रीजन्स में, और साथ ही साथ अपन ये भी जानेंगे कि भाई इसका टोटल ग्रॉस कलेक्शन कितना हो रहा है अभी आज के टाइम पे, एंड साथ ही साथ इसका नेट बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितना है, क्या इसका अभी मार्केट और बाकी है या फिर इस मूवी का कलेक्शन हो चुका अभी 1000 करोड़ के बाद आके रुक जाएगी। तो अगर ये सब जानना है तो भाई वीडियो के एंड तक बने रहना, लेकिन उससे पहले एक सब्सक्राइब छोड़ दो, मोटिवेशन मिलता रहना चाहिए। तो भाई साहब पठान ने अपने 24वें दिन 981 करोड़ का कलेक्शन किया था एंड कल शायद 26वें या 27वें दिन से 1000 करोड़ का मार्जिन टच किया। एंड उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि इस मूवी को चाइना में रिलीज नहीं मिला था, और अगर हम नॉन चाइना रिलीज वाली मूवीज के साथ पठान को कंपेयर करें, जैसे कि बाहुबली 2 है उसको भी चाइना के अंदर रिलीज नहीं मिला था, तो पहले 22 दिन के अंदर बाहुबली 2 ने $44 मिलियन का कलेक्शन किया था ओवरसीज विदाउट चाइना, वहीं पठान ने $44.5 मिलियन का कलेक्शन किया था। अब हाँ, ये 5 दिन पहले के स्टैट्स हैं, अभी के नहीं है तो कंफ्यूज मत हो जाना। और अगर मैं अंदाजा लगाऊं अभी रिसेंट का अमाउंट कि एक्चुअली में ओवरसीज कलेक्शन कितना है पठान का, तो ये आराम से $46 मिलियन को क्रॉस कर रहा होगा। और भाई इस मूवी के साथ शाहरुख खान ने एक स्टेज सेट कर दिया है। ये मूवी यानी कि पठान पहली बॉलीवुड मूवी है जिसने 500 करोड़ का मार्जिन टच किया है नेट बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के मामले में। ये लाइफ टाइम मैं नहीं बता रहा हूँ, ये सिर्फ 22 दिन का कलेक्शन है, मतलब 4-5 दिन पहले की रिपोर्ट है ये। और अगर इसे तुम दंगल जैसी मूवी से कंपेयर करते हो जिसका लाइफ टाइम कलेक्शन 2000 करोड़ है, तो उसने अपने 22 दिन के अंदर 387 कुछ करोड़ का नेट कलेक्शन किया था, वहीं पठान का 22 दिन के अंदर 500 कुछ करोड़ का नेट बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है, ग्रॉस नहीं। और देखो जहां तक मुझे लगता है कि अब इस मूवी से ज्यादा कुछ एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्वांटम मेनिया जैसी मूवीज ऑलरेडी थिएटर में आ चुकी है जो कि ऑडियंस जाएंगे पठान की, और मूवी ने 4 हफ्ते तक अच्छा खासा परफॉर्म किया है थिएटर्स पे, तो आई डोंट थिंक कि इंडिया के अंदर अब इसका मार्केट और भी बचा है। अब हाँ, अगर ओवरसीज मार्केट में मूवी चलती रही तो भाई चीजें बदल जाएंगी और मूवी 1100 करोड़ का भी मार्जिन टच कर सकती है। और बाकी मैं इस बारे में बात करता ही रहूंगा, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, मूवी रिव्यूज, मूवी एक्सप्लेनेशन, तो अगर तुम इंटरेस्टेड हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। बाकी अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, और अगर ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस और देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। मैं मिलता हूं आपसे किसी और दिन ऐसी अमेजिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।